पंडित जी हटी देखो युवराज थोड़ा सा पास हो जाए। देखिए हमारे जिले की सभी प्रबुद्ध जनों की और हिंडोली नैनवा तहसील के सभी वरिष्ठ जनों की बड़ी इच्छा थी कि बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम के बाद में जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तो नंदी गाय, बूढ़ी गाय, केड़े केड़ियाँ वो जब खेतों में घुसती है तो मनुष्य और गाय बैल के बीच में एक बड़ा खिंचाव तनाव हो जाता है उस समय के दौरान, और उस समय गोवंश की बड़ी बेकदरी होती है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो गोवंश के द्वारा किसान की हानि होती है या किसान के द्वारा गोवंश की हानि होती है। तो ये हमारा इलाका, यहाँ पर जमीन गौचर ही जमीन है, गायों के लिए आरक्षित सरकार की ज़मीन है, यहीं पर सभी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर तय किया। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आसपास में 50 बोरिंग के पॉइंट जिनके खेत हैं वहाँ सूखे निकले हुए हैं, लेकिन गौशाला में जब पहली बार बोरिंग लगाया पहला पॉइंट, उस पॉइंट में इतना पानी आया कि आने वाले समय में ये पूरी गौशाला डेवलप हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये सीधा भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है इस जगह को, और शायद ये इतने सालों से ये जगह खाली, बाकी तो अभी तो जंगल पे भी अतिक्रमण हो रहे हैं सभी जगह, लेकिन ये जगह खाली किसके लिए रही? ये इस इलाके के लोगों के भाग्य से, इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों के, इस इलाके की जनता के भाग्य से गौमाता के लिए सदा खाली रही। और अब आने वाले समय में यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई संचालित गौशाला नहीं रहेगी, ये एक तरह से नंदी सेंचुरी डेवलप होगी। जैसे टाइगर, एक तो टाइगर आपने देखा होगा सर्कस वाला, एक जू वाला, तो छोटी सी जगह में वो परेशान हो जाता है, उसकी सीमितता होती, वो परेशान जानवर होता है, लेकिन सेंचुरी के अंदर, जंगल के अंदर वो मस्त रहता है। ऐसे ही ये 1300 बीघा, अब ये 10-20 बीघा की गौशाला नहीं है, ये 1300 बीघा की नंदीशाला है। यहाँ पर 10-20 तो नाड़ियाँ बनेंगी, यहाँ पर लाखों पेड़ लगेंगे, यहाँ पर हजारों बीघा का ग्रेजिंग लैंड डेवलप होएगा, तो उसके साथ में गौ नंदी का स्वतंत्र जीवन यहाँ पर संभव हो पाएगा, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये तो एक विचार है, आज से पहले हमने कहीं देखा नहीं, लेकिन हमारी कोशिशें हैं कि ये कामयाब हो। अगर ये मॉडल कामयाब हुआ तो ज़िले में और भी नंदीशालाएँ बड़ी बड़ी 500 बीघा की, 1000 बीघा की जो जमें, धीरे धीरे अतिक्रम